अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आखिरकार इंडिया से इबरतनाक शिकस्त खाने के बाद चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा को मोहम्मद आमिर की याद सताने लगी। नाज़रीन, आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करते चलें कि आज चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम खिलाड़ियों के नाम ले लिए। और नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि मोहम्मद आमिर का उन्होंने कहा है कि काश हमारी टीम में आज मोहम्मद आमिर होते तो हमें इस तरह की शिकस्त ना होती जिस तरह हमें इबरतनाक शिकस्त इंडिया से मिली है कल वाले मैच में। नाज़रीन, आपको आगाह करते चलें कि मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान टीम में शामिल कर लिया गया है और उनको ऑस्ट्रेलिया के लिए बुला भी लिया गया है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मोहम्मद आमिर ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो चुके हैं क्योंकि इंडिया से अब आगे सेमीफाइनल भी इनके साथ खेलना है या फाइनल, बल्कि फाइनल में इनके साथ इंशाल्लाह टाकरा होगा, तो मोहम्मद आमिर को भी पाकिस्तान टीम में बुला लिया गया है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान को कल वाले मैच में जानबूझकर हराया गया है और मैच फिक्स किया गया था और एम्पायरों को ख़रीद लिया गया था। इसका इंकशाफ खुद एम्पायरों ने भी कर दिया है और आईसीसी ने भी बता दिया है कि ये जो नो बॉल दी गई थी लेकिन ये कोई नो बॉल नहीं थी।